आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो डोरियन, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो एलिमेंट्स आपके बिलोंग करते हैं टू द सेम ग्रुप, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसका रीजन आपके सामने क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है पॉइंट। सो देखो, अगर मैं बात करती हूँ जो आपके एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं टू द सेम ग्रुप, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज बस इसलिए होती है क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होते हैं आउटरमोस्ट शेल में देखने को मिलती है पॉइंट। सो बेसिकली देखो होता क्या है कि हमें पता होता है कि हमारे पास क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करती हूँ, सो विच वॉज गिवन बाय द मोज़ली, ही सेड दैट देर आर, हमारे पास क्या होते हैं कि जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं पॉइंट, लाइक 1, 2, 13, 14 till 18 तक आपके पास क्या होंगे ग्रुप्स होंगे, मतलब इन कॉलम्स जो है हम ग्रुप्स को अरेंज करते हैं। बट अगर मैं यहीं पर बात करती हूँ पीरियड्स की, सो पीरियड्स हमारे पास क्या होते हैं, 7 होते हैं और इनको हम क्या है रो से क्या है रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट। अब होता क्या है कि विद इन अ ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ देखो ग्रुप 1 में आपके पास पीरियड 1 में होता है हाइड्रोजन, फिर ग्रुप 1 पीरियड 2 में आपके पास यहाँ पर होता है लिथियम, सिमिलरली ग्रुप 2 पीरियड 2 में आपके पास यहाँ पर होता है बेरिलियम, फिर 13 ग्रुप में आपके पास यहाँ पर होता है बोरोन, फिर आपके पास होता है कार्बन, सो ऑन टिल आपके पास 18 ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप पीरियड 2 में एलिमेंट होता है वो होता है आपके पास न्यू पॉइंट। और अगर 18 में पीरियड 1 की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आपके पास होता है हीलियम। सो आपके पास क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। सो अब होता क्या है कि अगर मैं किसी भी एक ग्रुप के 2-3 एलिमेंट्स ऑन लूज लिस्ट करती थी, सपोज कर लो ग्रुप 2 की अगर मैं बात करती हूँ, सो यहाँ पर आपके पास पीरियड 3 में मैग्नीशियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, इस तरीके से आपके पास पीरियड 7 तक एलिमेंट्स होंगे। सो अब मैं जैसा कि मैंने बोला कि हर पीरियड हर ग्रुप के सॉरी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है कि ग्रुप 1 वालों के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 होते हैं, 2 वालों के 2 होते हैं, 13 वालों के 3 होते हैं, 14 वालों के 4 होते हैं, सो ऑन, एंड 18 वालों के क्या होते हैं, 8 होते हैं। और ये चीज़ हमें पता लगी थी जब हमने क्या इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को बेसिकली क्या लिख कर देखा। सो अगर मैं देखो बात करती हूँ लिथियम की, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो आपका मोज़ली ने दिया था। सो उसने कहा था कि जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो आपके अरेंज होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। सो अगर आपका लिथियम का 3 है, सो बेरिलियम का 4 होगा, बोरोन का 5 होगा, कार्बन का 6 होगा फाइन, क्लियर। अब अगर सिमिलरली मैं बात करती हूँ, सो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जो सोडियम होता है उसका आपके पास 11 होता है और मैग्नीशियम का होता है आपके पास 12 पॉइंट। सो यहाँ से आप देखोगे कि मैग्नीशियम का 12 है, बेरिलियम का 4 है। सो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है मैं बेरिलियम की लिखती हूँ बिकॉज हमें विद इन द ग्रुप देखना है, सो मैं बेरिलियम और मैग्नीशियम इन दोनों की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखती हूँ, सो आपको समझ में आएगा कि आपके पास क्या होती है, शेल्स होती हैं KLM एंड शेल्स। सो आपको बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, मतलब आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। सो K शेल में आपके पास जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज K की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की। L में आपके पास जाएंगे अगेन 2 फाइन। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करती हूँ, सो अगेन आपको होगा कि K में आपके 2 जाएंगे, L शेल में आपके पास 8 जाएंगे क्योंकि L शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की। यहाँ पर आप देखोगे कि M शेल में आपके पास क्या है, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है उसमें आप देखोगे कि आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो आपकी क्या है, सेम है पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ग्रुप सेकंड वालों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। सो जितने भी आपके पास ग्रुप सेकंड में एलिमेंट्स होंगे, सिमिलरली मैं बात करती हूँ कैल्शियम की, सो उसमें हो सकता है कि आपके पास एक शेल जो भी वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी वो आपकी करेगी कैल्शियम में इंक्रीज, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आपके अभी भी सेम रहेंगे। सो आपको अभी देखो कैल्शियम में आपके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके एन शेल में प्रेजेंट होंगे, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है, सेम है, मतलब आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, सेम है। इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इन सब एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपकी क्या होती है, सिमिलर होती है। सो ऑप्शन 1 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। सो आई होप दिस आंसर योर क्वेरी। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।